Hello everyone, I am Vaishali Nahar, welcomes you at my YouTube channel School at Home. Okay, I welcome you at my special lockdown classes. Today I am going to teach you class 12 physics, electric field and electric field lines. आज हम इन दो टॉपिक को कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है. तो आप देखेंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक एरिया होता है. क्या होता है? एरिया होता है जो किसके थ्रू डेवलप होता है, एक चार्ज पार्टिकल के कारण. और उस एरिया में अगर हम किसी और चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स. तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है. स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन विच अ फोर्स वुड बी एग्जर्टेड ऑन अदर चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक रीजन है जो डेवलप हुआ है किससे? एक चार्ज पार्टिकल से. ओके, और अगर आप उस एरिया में किसी और चार्ज पार्टिकल को लाएंगे तो वो भी क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स. तो उस रीजन को क्या कहते हैं जिसमें उसने एक्सपीरियंस करा था फोर्स? उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे आप यहाँ पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए, ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे. चलिए तो आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. एक रीजन होता है जो डेवलप होता है चार्ज पार्टिकल के कारण. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, आपको एसआई यूनिट याद होनी चाहिए. तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. ओके, ये कहाँ से डेवलप हुई है आपकी, कैसे फाइंड आउट करी हमने? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज. तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम. सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऑलवेज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो वो किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आते हैं हम यहाँ पे द चार्ज जनरेटिंग. यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस की बात करेंगे. एक सोर्स चार्ज की बात करते हैं और एक टेस्ट चार्ज की बात करते हैं. ठीक है, तो आपका सोर्स चार्ज, अभी हमने बात करी थी कि जो एक चार्ज पार्टिकल डेवलप करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसको उस चार्ज को क्या कहेंगे हम यहाँ पे? सोर्स चार्ज कहेंगे. और जो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को या उस फोर्स को, उसको हम कहते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज. तो कंसेप्ट क्लियर है आपका? जो चार्ज पार्टिकल के कारण वो एरिया डेवलप हुआ था, मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी, उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज. और उसके अंदर जब एक और चार्ज आता है और उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, वो एक्सपीरियंस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम कहते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज. तो आप स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पे द चार्ज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको कहते हैं इज कॉल्ड अ सोर्स चार्ज. एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस दिस फील्ड इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज. और जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको हम कहते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज. अब यहाँ बात हो गई है कि सोर्स चार्ज तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है. टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है. इट मींस वो क्या मेजर कर रहा है, स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है. टेस्ट चार्ज मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए तो आते हैं हम फॉर्मूले पे. तो आप देखेंगे कि आपका क्या था, एक चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी और दूसरे चार्ज क्या करता है, उसको उस पर फोर्स लगता है जब उस फील्ड में आता है. तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई आपके यहाँ पे, फोर्स अपॉन चार्ज. अब आपकी एसआई यूनिट हमने इसी से डिराइव करी थी, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम. सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम. सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. अभी हमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया है, तो उस एरिया में क्या होंगी, बहुत सारी लाइंस होंगी जो क्या प्रोड्यूस कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वे होता है जिसके थ्रू हम पिक्टोरिकली क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके अराउंड, उस चार्ज के अराउंड. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फिगरेशन ऑफ अ चार्जेस. ओके, तो ये समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है. अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक एरिया. अब उस एरिया में ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी लाइंस होंगी, ठीक है, जो क्या डेवलप कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक वे है, इट्स अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. अ
अगर हम बात करें इसकी, तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कर्व होते हैं। ये ऐसे कर्व होते हैं जहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या पता पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू इट इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व हैं। ये ऐसे कर्व हैं जहाँ पे हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे, तो आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका एक पॉजिटिव चार्ज और ये है आपका एक नेगेटिव चार्ज। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कहाँ से प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव चार्ज से प्रोड्यूस होती है, और कहाँ जाती है, नेगेटिव पे। इनको इस बात का आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख ली। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक एक एरिया है जो प्रोड्यूस हुआ चार्ज पार्टिकल के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व है। ये ऐसे कर्व हैं जहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो हमें क्या बताएंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल में आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ध्यान से देखिए, और नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल हेल्पफुल है आपके लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फोर्स आर, अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव पे। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये अभी कभी भी आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करती है। द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये कंसेप्ट भी हमें पता है कि अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ फोर्स पे तो आपको क्या देगा, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, टू द सरफेस चार्ज। अब आप देखेंगे कि इसमें जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर वो बहुत पास पास है, क्लोज में, इसका मतलब है फील्ड कैसी है वहां पे, स्ट्रांग है। जो आपका टेस्ट चार्ज है वो स्ट्रांग फोर्स महसूस करेगा। और अगर क्या है, लाइंस दूर दूर है, इट मीन्स वो लाइन, इसका मीन्स क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेन द लाइन्स आर क्लोज टूगेदर एंड इट इज वीक वेन द फील्ड लाइन्स मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लाइन्स कैसी है, क्लोज है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर लाइन्स कैसी है, दूर दूर है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इट मीन्स कि अगर वो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है तो ऐसा नहीं कि वापस पॉजिटिव पे आ जाएंगी। तो आपको ये कि नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है, पैरेलल होती है, पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये सारी लाइन्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। मीन्स ये क्या है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा, और ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो ओके, थैंक यू एंड गुड बाय। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। स्कूल एट होम।